गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? तो मेरी आज रूटीन सुबह काम हो गया है घर का सारा, तो मैंने कैमरा ना दोपहर को वीडियो दोपहर के टाइम से बनानी शुरू की है, क्योंकि खाना पीना हमने बना लिया है, हमें वीडियो में आज कुछ और दिखाना है, तो मैंने अब से शुरू की है। तो आई होप पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों। तो मैं बताती हूँ आज क्या करना है हमें, मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो दोस्तों पहले मिला देती हूँ मैं अपने बच्चों से जो भी आए हैं ट्यूशन से, अभी दिखाती हूँ। घर में तो अंधेरा सा लग रहा है। मम्मी को सबूत कर दो, मम्मी को सबूत कर दो। हाय, मम्मी को सबूत कर दो। कह रहा हूँ मम्मी को सपोर्ट करो। तो गाइज आज सारा काम हो गया, खाना पीना होगा। हमने घर का डेली रूटीन नहीं दिखाया आपको, दोपहर से शुरू की है वीडियो। तो आज हम बनाते हैं रसगुल्ले। मेरे बच्चों का मन था कि आज हमें सफ़ेद रसगुल्ले बना करके खिलाओ। काफ़ी टाइम से नहीं बनी, लेकिन हमारे घर में आए दिन बनते रहते हैं, लेकिन काफ़ी दिनों से नहीं बने, उनका मन था। तो मैंने कहा चलो आज हम घर का रूटीन नहीं दिखाएंगे, क्योंकि घर का रूटीन दिखाते हैं और वो भी दिखाते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो चलो चलते हैं और बनाते हैं रसगुल्ले। तो बनाते हैं रसगुल्ले। उसके लिए है 2 पैकेट दूध, ये अमूल के 2 पैकेट हैं, और इस भगोने में इसको उबाल लूँगी। और भगोने में ना थोड़ा सा पहले पानी डाल लो, ताकि कोई भी चीज़ हम उबालते हैं तो वो चुपके नहीं। मैंने डाल दिया था, तो उसके बाद मैं इसमें 2 पैकेट दूध के डाल दूँगी, और तब तक मैं इसको जब तक एक उबाल नहीं आ रहा तब तक मैं इसमें इसे पकने दूँगी। और ये उसको दूध को फाड़ने के लिए एक नींबू, और इसका मैं जूस निकाल लूँगी। 2 पैकेट हैं तो एक नींबू ही काफ़ी है, काफ़ी बड़ा है ये, तो इसका मैं जूस निकाल लूँगी। ये उबल जाएगा तो मैं दूध को फाड़ने के लिए इसको रखूँगी। दोस्तों हमने ना मीशो से कुछ प्रोडक्ट मंगाए थे, हम भी वीडियो में देखते हैं सभी लोगों का, सभी मंगाते हैं, तो हमने भी मंगाए। तो ये है हमारा ये तेल रखने के लिए बोतल, तो ये तेल की बोतल है, ये काफ़ी अच्छी लगी हमें, तो हमने ये मंगाई थी। ये हमारा पहला एक सामान था, तो हमने काफ़ी सारे प्रोडक्ट मंगाए वहाँ से। तो अब हमारा ये मिक्सी ग्राइंडर है, ये चॉपर जो सब्जियों को काटने के काम आता है, तो दूसरा है ये हमारा। तो ये हमने मंगाए हैं मीशो से, हम भी देखते थे तो हमें अच्छे लगते थे सभी के सामान, लेकिन हमने जब मंगा लिए हैं तो हमें भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं ये, काफ़ी फ़ायदा है इनसे, काफ़ी जल्दी से कट जाती हैं सारी चीज़ें इसमें। और दोस्तों ये है बॉल, जो हम क्या कहते हैं इनको, चावल या दाल धोने के जो काम आती हैं, तो इसमें ना छोटे छोटे छेद हैं किनारी पे, तो हम दाल कितनी भी बारीक दाल हो चावल हो हम धो लेते हैं, तो इसमें से पानी निकल जाता है, पानी नहीं रहता। तो ये हमारे 3 सामान हो गए थे, हम चौथा वाला सामान दिखा रहे हैं आपको। तो ये फ्रिज के लिए हैं, ये फ्रिज कंटेनर है, मतलब इन्हें स्टोर करके सामान रख सकते हैं हम, जो फ्रिज की प्लेटें होती हैं उसमें लगा दो तो एक्स्ट्रा जो जगह होती है वो भी यूज में आ जाती है। और देखो हमने ये लगा रखा फ्रिज में, इस तरह से लगाते हैं, तो हमने अनार छील कर रखे थे तो इस तरह से लगा दिया, और ये ऊपर चिपक गया, जगह भी नहीं घेरी इसने। तो ये है हमारा 5वां प्रोडक्ट, ये है नाम मुझे याद नहीं है इसका भी, जैसे हम दूध छाछ बनाते हैं, दही फेंटते हैं, और बेसन को कभी चीला बनाने के लिए फेंटते हैं, उसका काम आएगा ये। तो देखो ये इस तरह से है, हाथ से दबाने से इतना अच्छा चलता है। सारे सामान काफ़ी अच्छे हैं हमारे लिए, तो किचन के लिए चीज़ें आई हैं ये। तो हमने अभी दो सूट और एक साड़ी और मंगाई थी मीशो से। तो हमने पहली बार सामान मंगाया था, तो हम मंगा तो और भी रहे थे, लेकिन हमने देखा कि कोई सामान ख़राब नहीं निकल रहा, तो हम एक ही मंगाते हैं। तो ये मैंने सूट मंगाया था, तो ये काफ़ी अच्छा है, गर्मियों के लिए भी काम करेगा, सर्दियों के लिए भी करेगा। ये इस तरह का कपड़ा है, और इसका दुपट्टा तो इतना अच्छा निकला, और इसका रेट भी ज़्यादा नहीं है, 330 रुपये का सूट है ये, और आप यकीन नहीं मानोगे इतना अच्छा है ये कपड़ा भी, खूब है इसका सूट बनने के लिए। और दुपट्टा देखो आगे पीछे खूब सारा आ रहा है, तो मुझे दुपट्टा तो बहुत ज़्यादा पसंद आया इसका। एक साड़ी भी मंगाई थी हमने, तो साड़ी भी हल्की है बिल्कुल, और जिसको पहन लो पता ही नहीं चलेगा, लेकिन मैं साड़ी नहीं बांधती हूँ क्योंकि मेरे पेट में प्रॉब्लम है, मेरे पेट में काफ़ी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं साड़ी नहीं बांधती हूँ, लेकिन मन तो बहुत होता है। ये हल्की थी तो इसलिए मैंने मंगा ली है। तो ये साड़ी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, एकदम सिंपल है और एकदम हल्की है, तो ये अच्छी लग रही है मुझे, बनारसी टाइप में लग रही है। तो इस तरह से है ये, देखो काफ़ी अच्छी लग रही है, काफ़ी अच्छा लुक आएगा इसे। तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो डालूँगी जब मैं बनाऊँगी इसको पहनूँगी,
तो मैं साड़ी भी पहनूंगी किसी दिन। तो ये सारे सामान हमने मीशो से मंगाए हैं, काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है इनका। तो ये साड़ी देखो सुंदर लग रही है, एक दिन बांधूंगी मैं इसको, अभी तैयार नहीं हुई है, तैयार करूंगी तब बांधूंगी इसको। तो ये मेरा दूध रखा था गैस पे, वो उबल चुका है, तब तक हम प्रोडक्ट दिखा रहे थे। तो अब ये हमारा दूध उबल गया है, तो ये दूध उबला एक बाउल आ जाए उसमें तो उसको ना 100% उबल जाता है। तो हमें 80% रखने के लिए उसको या तो ऐसे ही छोड़ना होता है 5-10 मिनट के लिए, या फिर उसमें हम एक गिलास ठंडा पानी डाल देते तो थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। तो हमने इसमें नींबू का रस थोड़ा थोड़ा करके डाल करके जिसको हमने फाड़ लिया था दूध को, तो इसका छेना बन गया है, काफ़ी अच्छा पटा है। तो हमारे हस्बैंड भी आ गए थे ऑफिस से, तो हमने उनके लिए चाय बनाई थी, चाय मांग रहे थे तो हमने चाय बना दिए, चाय दे भी दी थी हमने उनको। तो हमने ये जो दूध मतलब फाड़ा था रसगुल्ले के लिए, ये हमने छान लिया है, और इसका जो पानी निकलता है ना, मैं इसको फेंकती नहीं हूँ कभी भी, मैं इसको यूज़ में लेती हूँ। तो मैं इसे अपने आटे गूंथने के काम में ले लेती हूँ, क्योंकि ये भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। ऐसा नहीं है कि हम इसको फेंक दें, बहुत लोग फेंक देते होंगे, लेकिन मैं नहीं फेंकती, मैं रख लेती हूँ। और इसमें जो खट्टापन था तो उसमें मैंने थोड़ा थोड़ा इसको पानी चला करके साफ़ कर लिया है। अब मैं बना रही हूँ इसके लिए चाशनी, यानी कि चाशनी नहीं, इसमें ही पकाऊँगी रसगुल्लों को। तो जिसमें पानी डाल रही हूँ, एक कटोरी भर के चीनी थी और उसका 2 कटोरी पानी है। तो मैं इसको एक बार उबाल लूँगी, यदि ये गंदी होगी तो इसमें मैं दूध डाल करके इसको साफ़ कर लूँगी, लेकिन ये गंदी नहीं थी, काफ़ी अच्छी, कुछ भी गंदगी नहीं थी। तो ये इलायची हैं, ये इसी में मैं डालूँगी, जो हम चीनी डाली है उसमें मैं डाल दूँगी ये। तो मैं इनको कूट लूँगी इस ईमानदस्ते में, तो ये छोटा अदरक वाला है इसी में मैं कूट लूँगी। तो ये थोड़ा गीला था तो अच्छी तरह से तो नहीं कूटे, लेकिन इससे काफ़ी अच्छा इसमें खुशबू आती है। तो मैंने ये डाल दिए हैं, और ये छेना मैं अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। ये 2 पैकेट का छेना है, और इसमें 1 ही चम्मच मैंने मैदा डाला है और कुछ नहीं डाला इसमें। इसको अच्छी तरह से इस तरह से मैश कर लूँगी, और ये मैश हो जाएगा ना तो हाथों पे घी छोड़ देगा, थाली में भी घी छोड़ देगा। तब तक हम इसको मैश करना है इस तरह से अच्छी तरह से हथेलियों से, और इसका सबसे ज़्यादा काम होता है मैश करना, ये अच्छी तरह से मैश करना होता है, तब तक घी ना छोड़ दे। और देखो आप थाली में देख रहे होंगे, इसने घी भी छोड़ दिया है, और मेरे हाथों एकदम चिकने हो रहे हैं, आप देख सकते हैं कितने अच्छे मतलब चिकने हो रहे हैं हाथ, थाली भी मेरी चिकनी हो गई है। तो ये अच्छी तरह से हो गया है, और मैं थोड़ा सा और इसको हल्के हाथों से दबा लूँगी। तो मैं इसकी छोटी छोटी बॉल बना लूँगी, क्योंकि ये फूलते हैं काफ़ी बड़े हो जाते हैं, तो मैं छोटी छोटी वाली बॉल बना रही हूँ। मैं बड़ी भी बनाती हूँ, लेकिन अब की बार मैं छोटी छोटी बना रही हूँ, ये छोटी ही काफ़ी बड़ी हो जाएंगी। तो इस तरह से मैं सारी ये टुकड़े बना करके रख लिए थे। इसमें उबाल आए तो एकदम फुल गैस चलनी चाहिए, और बॉल हमें एक एक करके डालनी चाहिए रसगुल्ले की, ताकि इसका जो ये धीमा नहीं हो, एक साथ डालेंगे तो इसका टेम्परेचर धीमा हो जाता है। और इसमें मैं सारे बॉल डाल दी हैं, और 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। 10 मिनट बाद मैं इनको ऐसा देखती हूँ तो ये काफ़ी बड़ी हो गई हैं, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फूल गए हैं, और एक भी नहीं फटा मेरा, क्योंकि इसमें क्रैक नहीं आने दिया, मैंने अच्छी तरह से मैश किया था। और 10 मिनट के लिए फिर इसको फुल फ्लेम पर मैं छोड़ दूँगी, और 10 मिनट बाद फिर से मैं इसको देखूँगी तो ये काफ़ी बड़े हैं एकदम से। ये बाउल आते रहने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए, इसका गैस का फ्लेम फुल होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो ये मेरे बन गए हैं और ये पक गए हैं अच्छी तरह से। तो मैं गैस को कर देती हूँ बंद, देखो कितने अच्छे बने हैं। तो दोस्तों रसगुल्ले बन गए हैं, देखो कितने यम्मी बने हैं, आप देख सकते हैं। अब ये थोड़े गर्म हैं, लेकिन कितने अच्छे जूसी हैं, ये एकदम से सॉफ्ट बने हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे इतने अच्छे बने हैं, बहुत ही ज़्यादा। और हमने 2 पैकेट दूध से बनाए हैं, और ये देखो इतने सारे हैं, और गिनने में ये 32 हैं, काफ़ी अच्छे बने हैं। तो एक बार हमारी तरह से आप भी बना करके देखिएगा, और इतने अच्छे बनेंगे कि आप एक बार क्या दोबारा बना करके खाओगे। तो इतने अच्छे बने, आप देख सकते हैं कितने एकदम, अब इन्होंने जूस पी लिया तो थोड़ा इस तरह से लग रहा है, जब बन रहे थे तो ये मोटे हो गए थे, इतने सा इसका बॉल बनाई थी छोटी वाली, लेकिन ये काफ़ी बड़े बन गए हैं, आप देख सकते हैं कितने सारे बने हैं। तो कैसे लगे हमारे रसगुल्ले हमें बताना ज़रूर, और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और रसगुल्ले अच्छे लगे तो लाइक करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में अगली एक रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।